मैं पढ़ूं या नहीं तुमसे कोई मतलब, मैं वहां जाऊं या नहीं तुमसे कोई मतलब, मैं इसे करूं या नहीं तुमसे कोई मतलब। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहां हम कहते हैं मैं किसी काम को करूं या नहीं तुमसे कोई मतलब, या तुम्हें इससे क्या लेना देना है चाहे मैं इस काम को करूं या नहीं, मैं खाऊं या नहीं तुम्हें इससे क्या मतलब या तुम्हें इससे क्या लेना देना है, मैं जीऊं या मरूं तुम्हें इससे क्या मतलब या तुम्हें इससे क्या लेना देना है। तो फ्रेंड, जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहां कहें तुम्हें इस बात से क्या लेना देना है, या तुम्हें इस बात से क्या मतलब है, तुम्हें इस बात से क्या वास्ता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगे व्हाट हैव यू कंसर्न विद इट वेदर। कैसे? आइए इस बात को एग्जांपल्स में बेहतर तरीके से समझें। मैं नाचूं या गाऊं तुम्हें इससे क्या मतलब है, या मैं नाचूं या गाऊं तुम्हें इससे कोई मतलब, या मैं नाचूं या गाऊं तुम्हें इससे क्या लेना देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए आप कहेंगे व्हाट हैव यू कंसर्न विद इट वेदर आई डांस आर सिंग, यानी मैं नाचूं या गाऊं तुम्हें इससे क्या मतलब है या क्या लेना देना है। मैं पढ़ूं या नहीं तुम्हें इससे क्या मतलब है, या मैं पढ़ूं या नहीं तुम्हें कोई मतलब। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट हैव यू कंसर्न विद इट वेदर आई रीड और नॉट, यानी मैं पढ़ूं या न पढ़ूं तुम्हें इससे क्या मतलब है, या तुम्हें इससे क्या लेना देना है। मैं जीऊं या मरूं तुम्हें इससे क्या लेना देना है, या मैं जीऊं या मरूं तुम्हें इससे कोई मतलब। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट हैव यू कंसर्न विद इट वेदर आई लिव और डाई, यानी मैं मरूं या जीऊं तुम्हें इससे क्या लेना देना है। मैं कोई बिजनेस करूं या सर्विस तुम्हें इससे कोई मतलब, या मैं कोई बिजनेस करूं या सर्विस तुम्हें इससे क्या लेना देना है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट हैव यू कंसर्न विद इट वेदर आई डू अ बिजनेस आ सर्विस, मैं सोऊं या जागूं तुम्हें कोई मतलब, या मैं सोऊं या जागूं तुम्हें इससे क्या लेना देना है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट हैव यू कंसर्न विद इट वेदर आई स्लीप और वेक अप, यानी मैं जागूं या सोऊं तुम्हें इन सब चीजों से क्या मतलब है या क्या लेना देना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहां आप कहें तुमसे कोई मतलब, या तुम्हें इससे क्या लेना देना है, तुम्हें इससे क्या मतलब है, क्या नाता है, को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। यहाँ मैं बता दूं कि ऐसे सैकड़ों टॉपिक जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।